नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करता हूं बच्चों आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पे। बच्चों सभी लोग आ जाए सेशन में और मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, कल हम बच्चों जहांगीर की चर्चा कर रहे थे, आज उसमें से थोड़ा सा जो शेष रह गया उसकी बातें करेंगे, फिर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बच्चों शाहजहां और शाहजहां के समय बने हुए स्थापत्य कला के प्रतिबिंब, जिसे आज भी दुनिया में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बच्चों देखना चाहता है, यानी आगरा के ताजमहल की भी चर्चा की जाएगी। तो सभी लोग एक बार ग्रुप में शामिल हो जाएं, मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं सभी लोग आ जाएं सेशन बच्चों, जुड़ने की कोशिश करें फटाफट, जल्दी करें। चलिए सभी लोग आ जाएं फटाफट, जल्दी करें फटाफट आ जाएं। देखिए बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर इतिहास विषय से नेट जा रहा पीएचडी, हिस्ट्री विषय से नेट जा रहा पीएचडी हूं बच्चों। ठीक है, इतिहास विषय से नेट जा रहा पीएचडी हूं। और इसके साथ साथ बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इसके साथ साथ बच्चों आपको बता दें कि अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके लिए क्या बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके लिए प्लस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इस वीक आपके लिए बेहतरीन पैकेज है, यानी आज 17 सितंबर तक बच्चों आपके लिए बेहतरीन ऑफर था। ठीक है, 17 सितंबर तक बेहतरीन ऑफर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका जो प्लस कोर्स है वो केवल 40,000 में था, जीएस का प्लस कोर्स आपको केवल 40,000 में, और कम्बो यानी जीएस और ऑप्शनल अगर इसके साथ ऑप्शनल भी हम जोड़ दें तो ऑप्शनल मात्र आपको 46,000 में मिल रहा है, यानी जीएस और ऑप्शनल दोनों आपको 46,000 में मिल रहे हैं, यानी मात्र 6,000 में आपको ऑप्शनल मिल रहा है बच्चों। तो ये एक बड़ी सुविधा है आपका बच्चों। आप आइकोनिक भी देख सकते हैं, आइकोनिक जीएस आपको 60,000 में मिल रहा है और आइकोनिक कम्बो आपको 63,000 में बच्चों। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया और हमारे रेफरल कोड का यूज आप कर सकते हैं बच्चों। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, हमारा रेफरल कोड है संजय सेवन। इस कोड के थ्रू बच्चों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इस कोड के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों यूपीएससी सीएससी 5-in-1 ऑफर में, यहाँ पे आप देखिए तो आप हमारे रेफरल कोड के साथ, ये हमारा रेफरल कोड है संजय सेवन, इसके साथ आप आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि अनअकैडमी पर बच्चों आपको रविवार यानी 19 सितंबर को 19 सितंबर को बच्चों 11 AM पर अनअकैडमी का कम्बैट है। कम्बैट बच्चों यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं कम्बैट में। ठीक है, अनअकैडमी कम्बैट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कम्बैट। ठीक, तो स्कॉलरशिप बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आपके लिए 10 करोड़ का स्कॉलरशिप रखा गया है, 10 करोड़ का स्कॉलरशिप रखा गया बच्चों, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों आप बता दें कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ठीक, पूरी तरह से अगर आप प्राइज जीतते हैं तो आपको फ्री आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, एक बड़ा प्राइज आप जीत सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई शुल्क नहीं देना है, आप हमारे रेफरल कोड के साथ बच्चों एंट्री कर सकते हैं, आप हमारे रेफरल कोड से एंट्री कर सकते हैं, हमारे कोड का यूज करके बच्चों आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको केवल 56 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में देने हैं, 56 क्वेश्चन बच्चों आपको 60 मिनट में देने हैं। और स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है बच्चों, आपका ये स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है, ये आपको 17 सितंबर से, ठीक है, स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है, स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए बच्चों यहाँ पे जो क्लासेज आई हैं वो प्लस की जो क्लासेज हैं बच्चों आपके प्लस की क्लासेज हैं, प्लस की क्लासेज आपकी बच्चों 9,400 इतना तो ऑफ किया गया है, यानी 40,000 में आपको जीएस मिल रहा है। आपको कम्बो बच्चों, आपको कम्बो पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 46,000 में आपको कम्बो मिल जा रहा है। आइकोनिक में भी बच्चों 11,000 और 10,000 का बेनिफिट आपको दिया गया है। तो अगर आप आज की डेट में बच्चों आज से पहले अगर आप लेते हैं तो आपको इतने लाभ हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं आइकोनिक और प्लस, आइकोनिक और प्लस में बच्चों कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकोनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप है, यहाँ पर बच्चों आपको पर्सनल मेंटोरशिप है, और प्लस में बच्चों आपको क्या है लाइव क्लासेस है, यहाँ पे आपको बच्चों लाइव क्लासेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस है।
और जीएस में भी बच्चों आप अलग से आप ले सकते हैं, जीएस में भी आप जो है जीएस में भी बच्चों आप यहां पे अलग से क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है। और आइकोनिक में बच्चों आप देख पा रहे होंगे, आइकोनिक में जो है आइकोनिक में भी आप अलग से ले सकते हैं, आइकोनिक और प्लस ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है, जीएस भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं 15 सितंबर से आपकी कंबाइंड बाइलिंगुअल बैचेज स्टार्ट है, इनमें से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकेडमी लगातार अपने लर्नर्स के साथ बच्चों बेहतर करने की कोशिश कर रही है, इंडिया के जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं वो सबके सब आपको यहाँ पे उपलब्ध है, आप सबका लाभ आप ले सकते हैं, बेनिफिट सबका ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो जहांगीर में हमने कल चर्चा किया था और मैं बात कर रहा था बच्चों आपके कंधार की पराजय का, ठीक है, कंधार की पराजय। भाई कंधार का महत्व बच्चों क्यों रहा है, कंधार का महत्व क्यों रहा मुगल सल्तनत के इतिहास में बच्चों, उसके महत्व को देखने की कोशिश करिए कि कंधार का महत्व क्यों देखा जाता है। सभी लोग एक बार शेयर करें फटाफट जल्दी करें। कौशल कुमार वर्मा, राखी आर्या, वेलकम है सभी का। तो कंधार को देख के बच्चों फिर शाहजहां पे आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक कल का बचा हुआ है उसकी चर्चा कर लें, फिर कंधार पे आते हैं, फिर आपके शाहजहां की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों कंधार सामरिक और व्यापारिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका क्यों ऐसा है, देखिए आपको भारत का मैप आपको पता होगा बच्चों, आपको कंधार कहां है, कंधार बच्चों आपका यहां पे है, कंधार कहीं न कहीं आपके मध्य एशिया के मुहाने पर है बच्चों, कंधार मध्य एशिया के मुहाने पर है और जस्ट बगल में काबुल है जो घोड़े के व्यापार के लिए फेमस है बच्चों। यानी कंधार पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप जो है ईरान पर कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों, अगर आपका कंधार पर नियंत्रण है तो आप फारस पर नियंत्रण कर सकते हैं, आप मध्य एशिया के व्यापार पर नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी सामरिक दृष्टि से भी बच्चों ये बेहद महत्वपूर्ण था भाई, कहीं न कहीं एक तरह से क्या है, ये प्रवेश द्वार है हिंदुस्तान का, अगर आपने इस प्रवेश द्वार पर बच्चों अपना कंट्रोल रखा है, अगर इस प्रवेश द्वार पर आपका नियंत्रण है तो आप आसानी से जो है आप आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जो है आप आसानी से फारस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप आसानी से मध्य एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं बच्चों, अपनी क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहते कंधार अपने सामरिक और व्यापारिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड था, ठीक है, भारत और फारस का क्या था, मेरुदंड था, यानी दोनों के बीच बच्चों स्थित था ये कंधार, किसके किसके बीच, ईरान और भारत के बीच। ईरान में कौन है बच्चों, ईरान में शाह शासक थे, ईरान में शिया वंश का शासन था, ईरान में क्या है, शिया वंश का शासन है, यहां पर बच्चों शिया वंश का शासन है ईरान में, ईरान में क्या है, शिया वंश का शासन है, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें बच्चों तो भारत में क्या है, भारत में मुगल क्या थे, सुन्नी थे, मुगल बच्चों क्या थे, सुन्नी थे। और आपको याद होगा बच्चों स्वयं बाबर और हुमायूं दोनों ने बच्चों शिया को स्वीकार किया था, स्वयं शिया धर्म को स्वीकार किए थे बच्चों, यहां तक कि हुमायूं ने एक बड़ी मदद भी ईरान के शाह से लिया था बच्चों अपनी सत्ता को पुनः पाने के लिए। तो यहां पे देखिए हमेशा बच्चों कंधार क्या था, ईरान और भारत के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में था। और आपको याद होगा हुमायूं जिस समय ईरान के शाह के यहां था उसने कंधार को जीतकर ईरान के शाह को देने का वादा किया था हुमायूं ने बच्चों, लेकिन हुमायूं जब कंधार को जीता 55 में तो वह हुमायूं कंधार को वापस ईरान के शाह को नहीं दिया, और यही से यह राजनीतिक विवाद का बच्चों क्या बनता है, कारण बनता है, कौन, कंधार, ठीक है। तो अब यहां देखिए करा कि कंधार अपने सामरिक और व्यापारिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड था, यह भारत का प्रवेश द्वार और मध्य एशिया और फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का एक प्राकृतिक मोर्चा था। यानी कहीं न कहीं अगर कंधार पे आपका कंट्रोल है तो आप भारत पर विदेशियों के आक्रमण को क्या कर सकते हैं,
प्रतिबंधित कर सकते हैं बच्चों, रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए कहते हैं 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से पुनः छीन लिया। कब? 1622 बच्चों, किसके समय? जहांगीर के समय, जहांगीर के समय। और ये वो समय है बच्चों, 1622 में ही क्यों छीना, ये वो समय है जब जहांगीर का सबसे योग्य बेटा खुर्रम यानी शाहजहां बच्चों क्या किया है, विद्रोह किया है। जब खुर्रम ने विद्रोह किया बच्चों, खुर्रम का विद्रोह जब होता है तो खुर्रम के विद्रोह का लाभ बच्चों दक्षिण में अहमदनगर राज्य ने भी उठाया और उत्तर भारत में कंधार ने भी उठाया, क्योंकि खुर्रम ही सबसे योग्य व्यक्ति था बच्चों जहांगीर के समय, और हर प्रकार के विद्रोह का दमन कौन करता था? खुर्रम करता था। खुर्रम ने ही इनके समय की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढा था, वो चाहे मेवाड़ से समझौता हो, वो चाहे दक्षिण भारत में अहमदनगर की विजय हो बच्चों, ये खुर्रम की देन थी। और इस समय जब खुर्रम स्वयं जो है जहांगीर के विरोध में खड़ा हो गया तो इसका फायदा जहांगीर के प्रतिस्पर्धियों ने लिया। एक तरफ जहांगीर का प्रतिस्पर्धी कौन है? कंधार का शाह है, और दूसरी तरफ अहमदनगर का मलिक अंबर है। दोनों ने बच्चों क्या किया, अपने को स्वतंत्र कर लिया। जैसे ही खुर्रम ने विद्रोह किया तुरंत जो है शाह अब्बास जो कंधार जो ईरान का शासक था उसने कंधार को मुगलों से क्या किया, छीन लिया बच्चों। फलतः जहांगीर के शासनकाल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया और कंधार की पराजय हो गई। देखिए करा कंधार अपने सामरिक और व्यापारिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड था या भारत का प्रवेश द्वार और मध्य एशिया और फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का एक प्राकृतिक मोर्चा भी था। 1622 में बच्चों इस पर कब्जा हुआ। अब देखिए शहजादा खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम माने कौन है बच्चों? शाहजहां। खुर्रम मतलब कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने विद्रोह किया। देखिए 1622 ईस्वी में पर्शिया, 1622 ईस्वी में पर्शिया के शाह द्वारा कंधार का घेरा और उस पर अधिकार के बाद जहांगीर नूरजहां के परामर्श से बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1622 ईस्वी में पर्शिया के शाह द्वारा कंधार का घेरा डाला गया और उस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इतना तो आपने अभी अभी देखा, अधिकार कर लिया गया। कह रहा है कि जहांगीर उस समय बच्चों जहांगीर की क्या कंडीशन थी, इन्होंने पूरी तरह से नूरजहां पे निर्भर थे। नूरजहां की सलाह पर जहांगीर ने क्या किया, खुर्रम को कंधार को पुनः जीतने के लिए बच्चों क्या किया, भेजा। किसको भेजा या आदेश किसको दिया? खुर्रम को, खुर्रम माने शाहजहां को। जब कंधार को ईरान ने जीत लिया तो इन्होंने खुर्रम को आदेश दिया कि आप पुनः जो है उसे क्या करिए, प्राप्त करिए, आप पुनः बच्चों उसे क्या करिए, प्राप्त करिए। ठीक है, यह आदेश दिया गया किसको? खुर्रम को। कहते हैं इस आदेश को शाहजहां को नूरजहां के षड्यंत्र का संदेह हुआ, यानी शाहजहां को यह लगा कि नूरजहां उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है और उसे कंधार भेजकर उसे मरवाना चाहती है। नूरजहां उसे राजधानी से दूर रखना चाहती थी। ठीक है, यानी कंधार बच्चों कहाँ है भाई? कंधार दिल्ली आगरा से दूर है। तो वो शाहजहां को ऐसा लगा कि नूरजहां इसका लाभ लेना चाहती है और हमें कंधार भेजकर वह पूरी तरह से शहरयार को दिल्ली का सुल्तान यानी बादशाह बनाना चाहती है। यानी इसको ये लगा कि अगर हम कंधार चले जाएंगे तो हम राजधानी से दूर हो जाएंगे और राजधानी में जो राजनीतिक घटनाएं घटेगी हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसा किसने सोचा? शाहजहां ने सोचा। शाहजहां ने शाही आदेश मानने से इनकार कर दिया और वह विद्रोह कर दिया। उसने कंधार विजय पर जाने से मना कर दिया, यानी अपने पिता जहांगीर के आदेश को, शाही आदेश को मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर देता है। अब देखिए जब शाहजहां ने विद्रोह कर दिया तो जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए शहजादा परवेज और महावत खां बेहद योग्य व्यक्ति था, को भेजा बच्चों विद्रोह दबाने के लिए। और इन 3 वर्षों में शाहजहां का विद्रोह समाप्त हो जाता है। आपको याद है
शाहजहां विद्रोह करके कहां शरण लेता है? अहमदनगर में। शाहजहां विद्रोह करके बच्चों अहमदनगर में शरण लिया। अहमदनगर में कौन था? मलिक अंबर था। अहमदनगर में कौन था बच्चों? मलिक अंबर। अहमदनगर में कौन था? मलिक अंबर था। कहते यहां पर बच्चों क्या हुआ कि जब शाहजहां का विद्रोह हुआ, तो शाहजहां का विद्रोह जब हुआ बच्चों, तो मलिक अंबर के राज्य में ही यानी अहमदनगर में ही शाहजहां ने भी शरण लिया, लेकिन अहमदनगर पर बच्चों दबाव डाला किसने? महावत खान ने। और महावत खान ने दबाव डालकर शाहजहां को वहां से बाहर कर दिया बच्चों, शाहजहां को वहां से बाहर कर दिया, ठीक, और आसानी से विद्रोह को दबा दिया। जहांगीर की राजपूत नीति जरा देखिए, कह रहा अकबर द्वारा निर्धारित राजपूत नीति की कमोबेश जहांगीर के समय बनी रही, यानी जिस तरह की पॉलिसी अकबर के समय राजपूतों को लेकर थी बच्चों, उसी तरह की नीतियां आपके जहांगीर के समय भी बनी रही, उसमें बहुत ज्यादा फेर बदलाव नहीं होता है। मुगलों और राजपूतों के वैवाहिक संबंध अभी भी कायम थे जो अकबर के द्वारा शुरू किए गए थे। अकबर के समय जो है जहांगीर ने, जहांगीर का विवाह किया गया था बच्चों जगत गोसाई से, जिन्हें आप जोधाबाई कहते हैं, ठीक। कहते राजपूतों की उनके अपने क्षेत्र से बाहर भी सूबेदार के रूप में नियुक्ति होती रही और प्रशासन में भी उनको उच्च पद दिया जाता रहा, ठीक है। यानी जो राजपूत होते थे उनके साथ यह ध्यान दिया जाता था कि उनको जो जागीर दी जाए वह उनके राज्य क्षेत्र में ही दी जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि उनको उनके राज्य के राज्य से बाहर कर दिया गया। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कोई राजपूत शासक हूं, मान लीजिए सपोज करिए मैं मारवाड़ का राजपूत राजा हूं, तो अगर मैं मनसबदार बना, अगर मैं मुगलों का मनसबदार बन गया, तो जितना मुझे पद दिया जाता था, जैसे 7,000 का मनसब मुझे दिया गया, तो 7,000 की जागीर मनसब के बदले हमें जागीर दी जाती थी। यानी भाई इनकम का जरिया क्या होगा? जागीर ही तो इनकम की जरिया होगी। तो जो जागीर हमें हमारे पद के बदले दी जाती थी, वह जागीर हमारे राज्य में ही हमको दी जाती थी। यानी मेरा ही राज्य मुझे ही जागीर के रूप में उपलब्ध कराया जाता था। ऐसी जागीरों को वतन जागीर कहते थे। तो इससे कहीं न कहीं हमें यह भी फील होता था कि हम अपने राज्य में ही हैं, हम अपने राज्य के मालिक भी बने हुए हैं, और साथ साथ मुगलों से हमारा संबंध भी अच्छा हो गया, ठीक। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये अकबर की सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी बच्चों। अगर हम अकबर की नजरों से देखें तो कहीं न कहीं आप वैचारिक रूप से उसके अधीन भी हो गए, आप सेवा देने के लिए भी मजबूर हैं, आप जब भी जरूरत पड़ेगी सैनिक सेवा दोगे, ठीक। तो हर मामले में अकबर ने कहीं न कहीं आपको क्या किया, अपने अधीन कर लिया इस व्यवस्था से। अब देखिए जहांगीर के धार्मिक नीति को देखिए, जहांगीर की धार्मिक नीति को देखिए, धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया, किंतु कुछ दिनों बाद दीने इलाही को दीन इलाही को समाप्त कर दिया गया। कह रहा है कि दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। कह रहा धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही क्या किया, अनुसरण किया, किंतु कुछ दिनों बाद दीन इलाही को समाप्त कर दिया गया, यद्यप सुलह कुल नीति को जारी रखा गया। सुलह कुल नीति को बच्चों क्या किया गया? जारी रखा गया। सिंहासनारूढ़ होने के सवा सातवें वर्ष यानी 1612 में बच्चों, 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। किससे? रानी कलावती से। रक्षाबंधन का त्योहार बच्चों ये मनाता था। कहते हैं अपवाद स्वरूप जहांगीर ने राजौरी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंड दिया था, अजमेर के बराह मंदिर को तोड़ा था। बराह मतलब विष्णु मंदिर। बाराह मतलब विष्णु मंदिर, ठीक। तो बाराह मंदिर को तोड़ा और गुजरात के जैनियों को बच्चों सजा दिया। तो ये कुछ ऐसे कार्य जहांगीर के थे जो कहीं न कहीं रूढ़िवादी प्रवृत्ति होते हैं, यानी कट्टर मुसलमान जैसा व्यवहार वो करता बच्चों, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसका नेचर भी कहीं न कहीं बच्चों अपने पिता अकबर से क्या था, प्रभावित था, ठीक है। चलिए सभी लोग आ गए हैं, साक्षी जी, राखी, आर्या, प्रीति, वेलकम है सभी का बच्चों।
तो ये तो रहा अभी जहांगीर की बातें चल रही हैं। ठीक है बच्चों, विदेशी दौर, विदेशियों के दौरे, विदेशियों के दौरे देखिए कौन कौन से विदेशी यात्री आए जहांगीर के दरबार में, कौन कौन सा विदेशी यात्री आया बच्चों जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस आया बच्चों कब? 1608 में। ठीक है, 1608 में आता है और 1609 में बच्चों ये आगरा में जहांगीर से मिला। कहां पर मिला? आगरा में। आगरा में जहांगीर से बच्चों ये मिलता है, आगरा में जहांगीर से ये मिला। कहते कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के ही शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए। सर टॉमस रो जहांगीर के ही शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने आए। ठीक है, देखिए सर टॉमस रो बच्चों कब आया था? ये आया था 1615 में, ये 1615 में आया। हॉकिंस बच्चों एक साहसिक अंग्रेज नाविक था, ये स्वयं बच्चों क्या था? एक नाविक था। और 1608 में भारत में सूरत आया और वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के भारत के मुगल सम्राट अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था, यानी भेजा गया था किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन इस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और बादशाह इस समय कौन था? इस समय बादशाह बच्चों जहांगीर था। तो ये ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर के नाम से वो पत्र लेकर आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। किंतु जब वो भारत पहुंचा तो सम्राट अकबर मर चुके थे और जहांगीर बादशाह बन गया था। हॉकिंस जहांगीर के आगरा में मिलता है कब? 1609 में, ध्यान दीजिएगा, आगरा में मिलता है और फारसी में बात करता है। फारसी उस समय मुगलों की क्या थी? राजकीय भाषा थी। फारसी बच्चों मुगलों की क्या थी? राजकीय भाषा। मुगलों की बच्चों ये क्या थी? राजकीय भाषा थी। मुगलों की क्या थी? ये राजकीय भाषा थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान की उपाधि दिया। इंग्लिश खान की क्या दिया? उपाधि दिया। ठीक है, और सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने भेजा था। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने बच्चों क्या किया था? भेजा था। देखिए जेम्स प्रथम ने ही सर टॉमस रो को भी भेजा था। ठीक है, अब देखिए करा कि टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। सर टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान पाने में समर्थ रहा, यानी हॉकिंस बच्चों माने हॉकिंस सफल नहीं रहा था। हॉकिंस को व्यापारिक विशेषाधिकार की अनुमति जहांगीर ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पुर्तगालियों से बच्चों बेहद परेशान थे ये मुगल, यानी पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति देकर पहले से ही ये पछता रहे थे। लेकिन याद करिए 1608 के स्वाली के युद्ध में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तब अंग्रेजों को लेकर मुगलों में बच्चों थोड़ी सी सकारात्मक विचारधारा आ गई और इसी वजह से बच्चों बाद में 1613 में अनुमति मिल गई। जो फैक्ट्री सूरत में अंग्रेजों ने बनाया था उसे अनुमति मिल गई बच्चों। ठीक है, टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था बच्चों, यानी हॉकिंस सफल नहीं रहा। कहते डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसार्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। फ्रांसिस्को पेलसार्ट ये भी आया था, ये डच यात्री था। ठीक है, ये बच्चों डच यात्री था। ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसार्ट ये डच यात्री था। जहांगीर की मृत्यु देखिए, जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु होती है। कहां पर बच्चों? भीमवार नामक स्थान पर।
ठीक है, जो कहां पे है, लाहौर में, जो कहां पर है बच्चों, लाहौर में है, ठीक है, कहां पे है, लाहौर में, और शहादरा में रावी नदी के किनारे बच्चों इनको दफना दिया गया, तो लाहौर में इनकी समाधि बनाई गई है। इनका मकबरा कहां है, लाहौर में बच्चों, लाहौर में किसका किसका मकबरा है, तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, लाहौर में अनारकली इनकी प्रेमिका का है, लाहौर में इनकी प्रेमिका अनारकली का है, ठीक है। फिर इसके साथ जो है कहा जाता है कि लाहौर में ही, लाहौर में बच्चों नूरजहां का भी है, लाहौर में नूरजहां का है, और लाहौर में एतमादुद्दौला का है, लाहौर में एतमादुद्दौला का है, ठीक है। अब देखिए जहांगीर का मूल्यांकन करिए। जहांगीर को पारसी, तुर्की और अरबी तीन भाषाओं का बच्चों उसे ज्ञान था, यानी तीन भाषा का ज्ञान था, ठीक है, तीन भाषा का ज्ञान था। जहांगीर को पारसी, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इसे कविता लिखने का भी शौक था, इसे कविता लिखने का भी शौक था। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था, जहांगीर बच्चों क्या था, न्यायप्रिय शासक था। हालांकि शराब लत उसकी एक बुरी आदत थी, हालांकि शराब लत उसकी एक बुरी आदत थी, जो अंततः उसकी मौत का कारण भी बना, ठीक है। धार्मिक मामलों में वह उदार हृदय का व्यक्ति था। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार उसने सेलिब्रेट किया, ठीक है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और उसके सर्वोत्तम चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, ये उसके सबसे श्रेष्ठ चित्रकारों में थे बच्चों, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, और दोनों को क्रमशः देखिए, कहते उस्ताद मंसूर को उसने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया, ये अस्त्र है बच्चों, नादिर उल अस्त्र, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया, ठीक है, और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि देता है। अबुल हसन को क्या दिया, नादिर उल जमा, ठीक है, नादरुल जमा। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु तो न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया, ये बच्चों न्याय को आसान बनाने के लिए जो है उसने न्याय की जंजीर लगाया था। और जहांगीर के संबंध में यह माना जा सकता है कि वह सफल और उदार शासक था, जो अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। अन्य शासकों की तरह उसके भी गुण और दोष थे, उसमें युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को परखने की क्षमता थी, कह रहा उसमें युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को परखने की क्षमता थी, और अकबर की नीति तथा प्रशासकीय प्रणाली को चालू रखने का अच्छा ज्ञान था, हालांकि उसकी कुछ सीमाएं थी। यानी कहने का मतलब यहां पे कहना चाह रहा है कि जहांगीर ने बच्चों, जहांगीर ने पूरी तरह से अकबर की नीतियों का ही अनुसरण किया, अपने समय में कोई बहुत बड़ा बदलाव इसने नहीं किया, ठीक है, कोई बड़ा बदलाव बच्चों इसने नहीं किया। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वह रचनात्मक राजनीतिज्ञ नहीं था, वह रचनात्मक राजनीतिज्ञ नहीं था जो महान प्रशासकीय सुधार कर सके या भावी पीढ़ी की भलाई के लिए कानून बना सके। वह कह सकते हैं कि उसमें साथ अपने पिता अकबर के समान उच्च आदर्श और बुद्धि चातुर्य नहीं था, उसमें अपने पिता अकबर के समान बच्चों, अकबर के समान उच्च आदर्श और चातुर्य बुद्धि नहीं थी। उसके चरित्र में कुछ अवगुण भी थे, जिसके कारण वह निंदा का पात्र भी है, शराब बहुत पीता था। उसने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया था,
भाई ये सूफी संत थे ना, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया और दीने इलाही में दीक्षा देना बंद किया। दीने इलाही जिसे अकबर ने बनाया था बच्चों। तो 1 मिनट बच्चों, 1 सेकंड आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा। एक मिनट बच्चों, शाहजहां की शुरुआत करते हैं। तो ये तो बच्चों आपने देखा भी जहांगीर के बारे में, ठीक है। अभी आपने जहांगीर के बारे में देखा, चलिए अब आते बच्चों आपके शाहजहां पे। शाहजहां देखिए कह रहा है इनका जन्म बच्चों कब हुआ था। ये भी हिंदू मां से उत्पन्न संतान थे। शाहजहां भी बच्चों आपके हिंदू मां से उत्पन्न संतान थे। ये भी आपकी हिंदू मां से पैदा थे। हिंदू मां से उत्पन्न थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ लाहौर में बच्चों। कहां पे हुआ? लाहौर में। मृत्यु कब हुई? 1666 में, आगरा के शाह बुर्ज में बच्चों। इसी में 8 वर्षों तक ये कैद रहे बच्चों औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब जो इनका बेटा था, इसी में इनको क्या करता है, 8 वर्षों तक बच्चों कैद रखता है। इनका मूल नाम बच्चों क्या है? शिहाबुद्दीन। इनका मूल नाम क्या है? शिहाबुद्दीन इनका मूल नाम है, ठीक है। इनका मूल नाम बच्चों क्या है? शिहाबुद्दीन। इनका मूल नाम शिहाबुद्दीन है। अब देखिए कह रहा है इनकी उपाधि और इनका उपनाम क्या है। शाहजहां को बच्चों खुर्रम कहते हैं। खुर्रम मतलब खुशी से देने वाला। यह नाम बच्चों किसने रखा था? अकबर ने रखा था। इनका नाम खुर्रम किसने रखा था? इनके दादा अकबर ने रखा था। खुर्रम नाम इनका बच्चों अकबर ने रखा था, ठीक है। खुशी से दान देने वाला। मुजहिद यानी समकालीन इतिहासकारों ने इनको मुजहिद कहा बच्चों, यानी जो कट्टर रूप से इस्लाम को माने। इस्लाम का रक्षक शाहजहां ने स्वयं को घोषित किया था। इस्लाम का रक्षक शाहजहां ने अपने को खुद घोषित किया था। यह शाहजहां के क्या है? अन्य नाम है बच्चों। ये शाहजहां के अन्य नाम हो गए, खुर्रम, मुजहिद, इस्लाम का रक्षक। ये तीनों नाम शाहजहां के क्या है? अन्य नामों में आएंगे। विश्वभेदीकरण, विश्व का विजेता, ठीक है। उसके जन्म पर दरबारी कवियों ने कहा था इसे। दरबारी कवियों के द्वारा यह नाम दिया गया था। दरबारी कवियों के द्वारा यह नाम दिया गया। ठीक है। और शाह एवं शाहजहां, ठीक है, शाह एवं शाहजहां, मेवाड़ संधि के बाद शाह और अहमदनगर के साथ के बाद इनको शाहजहां की उपाधि दी गई। और ये उपाधि जहांगीर ने दिया था बेदौलत। अपने अंत समय में जहांगीर ने शाहजहां को ये उपाधि दिया था। बेदौलत माने जो डरे न। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरानी सानी, आगरा में संपन्न राज्याभिषेक के अवसर पर यह उपाधि उसने लिया था, ठीक है। तो ये सारे नाम बच्चों किसके हैं? शाहजहां के हैं। अब देखिए शाहजहां के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी क्या है।
भाई स्थापत्य कला के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्ण युग कहा जाता है। भाई शाहजहां के काल को हम क्या कहते हैं, साम्राज्य का स्वर्ण युग कहते हैं बच्चों, इसे हम साम्राज्य का क्या मानते हैं, स्वर्ण युग मानते हैं। शाहजहां के काल को मुगल काल का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन क्यों, अब इनकी पत्नी कौन थी जरा उनको देखें। इनकी पत्नी जो है बच्चों, शाहजहां का पहला विवाह फारस के मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ था, ठीक। अर्जुमंद बानो बेगम इनकी दूसरी और सर्वप्रिय पत्नी थी, जिनकी जिनकी उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि मलिका ए जमानी एवं मुमताज। मुमताज का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज का नाम था बच्चों, ठीक है। ये किसका नाम है, मुमताज का नाम है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि शाही मुहर उसी के अधिकार में रहती थी, मुमताज के अधिकार में ही बच्चों, यानी कहने का मतलब जिस तरह जहांगीर ने बच्चों महत्व दिया था नूरजहां को, उसी तरह महत्व यहां मुमताज को शाहजहां ने भी दिया। सत्यउन्निसा खानम मुमताज की सलाहकार और मानवीय कार्यों में उनकी परामर्शदात्री थी। खानम बच्चों, सत्यउन्निसा खानम ये सलाहकार थी बच्चों किसकी, मुमताज की। मुमताज की सलाहकार कौन थी, सत्यउन्निसा खानम बच्चों, ये मुमताज की सलाहकार थी। 1631 में बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हुई थी, दक्षिण भारत पड़ेगा बुरहानपुर बच्चों, आपका कहां पड़ता है, दक्षिण भारत में बुरहानपुर। कहा जाता है कि 14 संतानों को इन्होंने जन्म दिया था, 14 संतानों को बच्चों इन्होंने जन्म दिया था। यानी भाई शाहजहां मरेंगे कब, शाहजहां मरेगा 1666 में और मुमताज मर गई कब, 1631 में। मुमताज की मृत्यु कब हो गई, 1631 में हो गई। देखिए कहते हैं शिक्षक, शाहजहां का पहला शिक्षक कौन था, मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, ये शाहजहां के पहले गुरु थे बच्चों, मुल्ला कासिम बेग तबरीजी ये आपके शाहजहां के क्या थे, पहले गुरु थे। लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था, हकीम अली गिलानी से, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था बच्चों, हकीम अली गिलानी, ठीक, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी। यानी ये भी बच्चों उसका गुरु था, लेकिन यह चिकित्सा की शिक्षा दिया था बच्चों शाहजहां को। तो पहला शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी और दूसरा हकीम अली गिलानी, ज्यादा प्रभावित किससे था शाहजहां, हकीम बेग गिलानी से। कह रहा कि अकबर की पत्नी रुकैया बेगम के द्वारा पाले जाने के कारण वह तुर्की में पढ़ तथा लिख सकता था, यानी इनका पालन पोषण ज्यादातर किसने किया था, रुकैया बेगम, जो इनकी दादी लगेंगी। और रुकैया बेगम पत्नी है बच्चों किसकी, अकबर की, अकबर की पत्नी है, ठीक है। करा डॉक्टर बनारसी बनारसी प्रसाद सक्सेना महोदय का मत है कि जहांगीर के बारंबार प्रयास के बावजूद तुर्की भाषा के प्रति उसकी उदासीनता बनी रही और 1608 ईस्वी में उज्जैन में एक जागीर तथा हिसार फिरोजा की सरकार, जो प्रायः मुगल युवराजों को ही दी जाती थी, खुर्रम को दे दी गई। किसको दे दी गई, खुर्रम को। कह रहा है कि 1608 ईस्वी में उज्जैन में एक जागीर तथा हिसार फिरोजा की सरकार, जो प्रायः मुगल युवराज को ही दी जाती थी, वो किसे दी गई, खुर्रम को दी गई। उसे लाल तंबू लगाने की आज्ञा के साथ शाही मुहर का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, ठीक है। कह रहा कि देखे, यानी बनारसी दास सक्सेना बच्चों अंदर की बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जहांगीर के बार बार प्रयास के बावजूद तुर्की भाषा के प्रति उसकी उदासीनता बनी रही, ठीक है। 1608 ईस्वी में उज्जैन में एक जागीर तथा हिसार फिरोजा की सरकार, जागीर जो प्रायः मुगल युवराज को दी जाती थी, जैसे जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि मौर्य काल में सामान्यता जो है, जो प्रांत होते थे उनका गवर्नर युवराजों को बनाया जाता था, उसी तरह यहां भी था, उसी तरह बच्चों यहां भी था कि ज्यादातर जो कहते हैं कि जागीर तथा हिसार फिरोजा की सरकार जो प्रायः मुगल युवराज को ही दी जाती थी बच्चों, वह खुर्रम को दे दी गई और उसे लाल तंबू लगाने और शाही मुहर का उपयोग करने की अनुमति मिली। यानी यहां पर जहांगीर ने खुर्रम को थोड़ा सा बच्चों क्या दिया, महत्व दिया था। शासक बनने के पश्चात शाहजहां ने आसफ खां को चाचा की उपाधि दी और उसे प्रधानमंत्री का पद दिया और इसी आसफ खां की पुत्री से क्या करेगा, विवाह करेगा।
आसफ खां को चाचा की उपाधि देता बच्चों। आसफ खां के प्रशासन में इतना अधिक प्रभाव था कि समकालीन यात्रियों ने उसे द्वितीय सम्राट की संज्ञा दी, यानी आसफ खां को लोग द्वितीय सम्राट कहने लगे थे। शाहजहां के बाद सबसे ज्यादा महत्व तो इसी का था। ठीक है, शाहजहां के बाद सबसे ज्यादा महत्व इसी का था बच्चों। वह 14 वर्ष तक शाहजहां का वकील रहा। शाहजहां ने उसे मोहरे उजुक यानी शाही मोहर भी सौंप दी थी। ठीक है, कह रहा कि 14 वर्ष तक शाहजहां का वकील रहा, शाहजहां ने उसे मोहरे उजुक ठीक है शाही मोहर भी क्या किया, सौंप दिया था। महावत खां को अजमेर की सूबेदारी तथा खानखाना की उपाधि दी गई। महावत खां को बच्चों अजमेर की सूबेदारी और खानखाना की उपाधि दी गई। ये वही महावत खां है जो जहांगीर के समय शाहजहां के विद्रोह को दबाया था बच्चों। महावत खां बेहद योग्य व्यक्ति था। शाहजहां अपने प्रत्येक पुत्र को 500 रुपया प्रतिदिन देता था। ठीक, अब सोच लीजिए उस समय 500 रुपए का कितना बड़ा महत्व रहा होगा बच्चों, यानी आज का कहीं न कहीं 1 लाख रहा होगा या उससे भी ज्यादा रहा होगा बच्चों। बादशाह अपने पुत्र को 500 पर डे देता था जब तक वह मनसब के लिए योग्य न हो जाए, यानी जब तक वो मनसबदार बनने के लिए योग्य न हो जाए, जब तक वो किसी पद को धारण करने योग्य न हो जाए, तब तक बादशाह अपने बेटे को क्या करता था, 500 रुपए पर डे देता था। अब आप सोच सकते हैं, ठीक, कोहिनूर हीरा, जरा इसके बारे में जानिए, कोहिनूर हीरे के बारे में जानिए बच्चा। बन जाएगी बेटा मुमताज, काहे परेशान हो, पहले बनाने लायक तो बनो। चलिए अब देखिए बच्चों, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे के बारे में सभी जानना चाहेंगे कि माउंटेन ऑफ लाइट, कोहिनूर हीरो को आप क्या कहते हैं बच्चों, माउंटेन ऑफ लाइट, इसके बारे में सभी जानना चाहेंगे। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए, फटाफट पहले सेशन को शेयर करिए, तो आप लोग बहुत आलसी हो गए हैं, जल्दी करिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दें सेशन को, लाइक कर दें भाई, सेशन को सभी लाइक कर दो एक बार। देखिए कहते हैं इस यह हीरा बच्चों कहां से मिला था, ये गोलकुंडा की खान से मिला था बच्चों, ये गोलकुंडा की खान से मिला था, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ठीक, आपको याद होगा तो ये बच्चों, आपको अगर याद होगा तो काकतीय वंश के राजा थे, काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश के राजा ने इसे बच्चों किसे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को, इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने मुबारक खिलजी को दिया था बच्चों। अब इनके समय देखिए जरा, कहते इस हीरे का मूल्य सारे संसार के दैनिक व्यय का आधा था, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहते ये जो हीरा था, इस हीरे की जो मार्केट वैल्यू थी बच्चों, वह पूरे विश्व में एक दिन जितना लोगों का खर्च होता है, पूरे विश्व के लोग मिलकर एक दिन में जितना खर्च करते हैं उसका आधा अकेले था बच्चों। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बहुमूल्य धातु था। यह हीरा बारंगल की गोलकुंडा खान से बच्चों निकला था। खौफी खां के अनुसार, जो खौफी खां लेखक है बच्चों, सल्तनत काल के लेखक थे, खौफी खां के अनुसार तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने यह हीरा मलिक काफूर, मलिक काफूर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण का सूबेदार था जो जीतने गया था, मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी कहा जाता बच्चों, मलिक काफूर को दिया था। ये मलिक काफूर ही दक्षिण में जाकर बच्चों कई राज्यों को जीता था अलाउद्दीन खिलजी के समय, देवगिरी को जीता था,
आपके होयसल राजवंश को जीता, आपके काकती राजवंश को जीता, आपके पांड राजवंश को जीता, दक्षिण के चार राजवंशों को जीता था मलिक काफूर ने बच्चों, कब? अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। और उसी समय मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से ये हीरा प्राप्त किया था। ये वही प्रताप रुद्रदेव है जो मलिक काफूर से बच्चों लड़े नहीं, बल्कि अपने गले में जंजीर डालकर उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति में गले में जंजीर डालकर उस मूर्ति को मलिक काफूर के सामने प्रस्तुत कर दिया। और वह इस बात का इंडिकेशन था, वह इस बात का इंडिकेशन था कि उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया है, मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और यह अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने मुबारक खिलजी को दे दिया। और यह कोहिनूर हीरे का बच्चों पहला साक्ष्य था। इसका दूसरा उल्लेख आता है 1526 में पानीपत के युद्ध में। इसका दूसरा उल्लेख कब आया? पानीपत युद्ध में आया बच्चों, ठीक है। कहते हैं इसका दूसरा उल्लेख 1526 में मिलता है जब हुमायूं ने आगरा में रुके ग्वालियर के विक्रमाजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त करके बाबर को दिया। यानी पहली बार तो कोहिनूर हीरे का उल्लेख वहां आता है मलिक काफूर के संस में, कि मलिक काफूर ने जब दक्षिण विजय करने गया तो प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के राजा थे उनसे यह हीरा प्राप्त किया। और इसका दूसरा उल्लेख आता है कब? 1526 में। 1526 में इसका उल्लेख आता है कि यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने 1526 में किसे दिया? जहांगीर को दिया, हुमायूं को दिया। और हुमायूं यह हीरा अपने पिता बाबर को देता है, जिसे बाबर पुनः जो हुमायूं को ही दे दिया, बाबर ने पुनः इस हीरे को हुमायूं को सौंप दिया बच्चों। पुनः इस हीरे को क्या किया? हुमायूं को सौंप दिया। अब देखिए, कहते शाहजहां को मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया, जिसे उसने मीर जुमला बच्चों कोहिनूर हीरा देता है शाहजहां को, और मयूर सिंहासन में शाहजहां ने इसे लगवा दिया। जिस मयूर सिंहासन पर शाहजहां विराजमान होता था, उसी मयूर सिंहासन में शाहजहां इस हीरे को क्या करता है? जड़वा देता है बच्चों, उसी में जड़वा देता है। और 1739 में नादिर शाह मयूर सिंहासन ईरान लेता गया और वहीं से कोहिनूर के नाम पर बच्चों, कहते हैं कि 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली पर बच्चों, तो नादिर शाह ने यह कोहिनूर हीरा और साथ साथ यह मयूर सिंहासन भी उठा ले जाता है यहां से बच्चों, ठीक है। और इसे कोहिनूर नाम दिया गया। 1813 में रणजीत सिंह को विस्थापित अफगान शासक शाह सुजा ने लाहौर में कोहिनूर पुनः भेंट किया बच्चों, यानी भारत फिर से कोहिनूर आ गया। शाह सुजा ने दिया किसे? रणजीत सिंह को। और 1849 में जब अंग्रेजों ने डलहौजी के समय बच्चों पंजाब को जीत लिया, लॉर्ड डलहौजी जब 1849 में पंजाब पर विजय कर लेता है, तो उस कोहिनूर हीरे को अंग्रेजों ने बच्चों क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। उस समय पंजाब के राजा दिलीप सिंह थे, जो बालक थे, नाबालिग थे बच्चों, इनसे कोहिनूर हीरा लेकर कहां चला गया? महारानी को दे दिया गया। और आज भी यह कोहिनूर हीरा बच्चों महारानी के पास है, ठीक। अभी ये कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में भी था कोहिनूर हीरा बच्चों, ये कोहिनूर हीरा काफी चर्चा में भी था, ठीक है। अब आगे का टॉपिक बच्चों आपका कल रहेगा, शाहजहां का स्वर्णकाल। और आप लोगों से गुजारिश है बच्चों कि अगर आप जो है अपने भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्लस कोर्स को बच्चों आज परचेज करिए, क्योंकि आज आपका सबसे बेहतरीन दिन है बच्चों। आज आपको मिनिमम रेट में ये मिल रहा है बच्चों, मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, मात्र 46,740 रुपए में आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों दिया जा रहा है, जिसमें हमारे कोड का यूज करके बच्चों आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये हमारा रेफरल कोड है जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। इसके साथ साथ बच्चों आप आइकोनिक कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाता है। तो यहां पर जुड़कर बच्चों आप अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। आपको सारे स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स, सारे टेस्ट मॉडल, एवरीथिंग सब कुछ कुरियर के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है। तो अब अन अकेडमी एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है। इंडिया के जितने बड़े टीचर्स हैं सारे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को आज के लिए। ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, जिसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपकी क्लास होने वाली है 10:10 पे ऐप पर। थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, ठीक है। थैंक यू, और जिसे भी कोर्स लेना है वो कॉल कर सकता है, ठीक है।
चलिए गुड नाइट सभी को।